क्या आप मुझे अब वापस कॉल कर सकते हैं कैन यू कॉल मी बैक नाउ क्या आप मुझे अब वापस कॉल कर सकते हैं कैन यू कॉल मी बैक नाउ मैंने कागजात को एक साथ चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग किया आई यूज़ ग्लू टू पेस्ट द पेपर्स टुगेदर मैंने कागजात को एक साथ चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग किया आई यूज़ ग्ल्यू टू पेस्ट द पेपर्स टुगेदर बच्चों ने अपनी नोटबुक्स पर स्टिकर चिपकाए द चिल्ड्रेन पेस्टेड स्टिकर्स ऑन देयर नोटबुक्स बच्चों ने अपनी नोटबुक्स पर स्टिकर चिपकाए द चिल्ड्रेन पेस्टेड स्टिकर्स ऑन देयर नोटबुक्स उसने गलती से गलत फ़ाइल चिपका दी ही एक्सीडेंटली पेस्टेड द रॉन्ग फाइल उसने गलती से गलत फ़ाइल चिपका दी ही एक्सीडेंटली पेस्टेड द रॉन्ग फाइल उसने टाइल्स को चिपकाने के लिए विशेष चिपकाने वाला पदार्थ इस्तेमाल किया ही यूज अ special adhesive टू पेस्ट द टाइल्स उसने टाइल्स को चिपकाने के लिए विशेष चिपकाने वाला पदार्थ इस्तेमाल किया ही यूज अ special adhesive टू पेस्ट द टाइल्स कृपया बैठक के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें प्लीज़ टर्न ऑफ योर मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द मीटिंग कृपया बैठक के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें प्लीज़ टर्न ऑफ योर मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द मीटिंग क्या आप मेरी नई मोबाइल फ़ोन सेटअप करने में मेरी मदद कर सकते हैं कैन यू हेल्प मी सेटअप माई न्यू मोबाइल फ़ोन क्या आप मेरी नई मोबाइल फ़ोन सेटअप करने में मेरी मदद कर सकते हैं कैन यू हेल्प मी सेटअप माई न्यू मोबाइल फ़ोन वह अपने मोबाइल फ़ोन पर म्यूज़िक डाउनलोड कर रही है शी इज़ डाउनलोडिंग ऑन हर मोबाइल फ़ोन वह अपने मोबाइल फ़ोन पर म्यूज़िक डाउनलोड कर रही है शी इज़ डाउनलोडिंग ऑन हर मोबाइल फ़ोन हमें टंकी को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए वी नीड टू क्लीन द टैंक रेगुलरली हमें टंकी को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए वी नीड टू क्लीन द टैंक रेगुलरली वे छत पर टंकी की मरम्मत कर रहे हैं दे आर रिपेयरिंग द टैंक ऑन द रूफ वे छत पर टंकी की मरम्मत कर रहे हैं दे आर रिपेयरिंग द टैंक ऑन द रूफ रात को टंकी का पानी बह गया द टैंक overflowed लास्ट नाइट रात को टंकी का पानी बह गया द टैंक overflowed लास्ट नाइट क्या आप टंकी के स्तर को माप सकते हैं कैन यू मेज़र द लेवल ऑफ़ द ट्क क्या आप टंकी के स्तर को माप सकते हैं कैन यू मेज़र द लेवल ऑफ़ द टैंक कमरे में चौड़ी खिड़कियां हैं द रूम हैज़ वाइड विंडोज़ कमरे में चौड़ी खिड़कियां हैं द रूम हैज़ वाइड विंडोज़ वह बहुत तेज़ी से बोलती है शी स्पीक्स वेरी फ़ास्ट वह बहुत तेज़ी से बोलती है शी स्पीक्स वेरी फ़ास्ट क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं कैन यू शो मी द वे टू स्टेशन क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं कैन यू शो मी द वे टू स्टेशन हम जंगल में रास्ता भटक गए वी लॉस्ट आवर वे इन द फॉरेस्ट हम जंगल में रास्ता भटक गए वी लॉस्ट आवर वे इन द फॉरेस्ट इस सड़क पर चलते रहें जब तक आप पुल तक ना पहुँच जाएं फॉलो दिस रोड until यू रीच द ब्रिज इस सड़क पर चलते रहें जब तक आप पुल तक ना पहुँच जाए फॉलो दिस रोड अंटिल यू रीच द ब्रिज उसने देरी से बचने के लिए एक अलग रास्ता लिया He took अ डिफरेंट रूट टू avoid द डिले उसने देरी से बचने के लिए एक अलग रास्ता लिया ही टुक अ डिफरेंट रूट टू avoid द डिले सड़क के संकेत बहुत स्पष्ट नहीं है द रूट साइंस आर नॉट वेरी क्लियर सड़क के संकेत बहुत स्पष्ट नहीं है द रूट साइंस आर नॉट वेरी क्लियर वह एक कपड़ों की दुकान पर काम करती है शी वर्क्स एट अ क्लोथिंग स्टोर वह एक कपड़ों की दुकान पर काम करती है शी वर्क्स एट अ क्लोथिंग स्टोर दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट चल रही है द शॉप हैज अ सेल ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट चल रही है द शॉप हैज़ अ सेल ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बेकरी की दुकान से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है द बेकरी शॉप स्मेल्स डेलीसियस बेकरी की दुकान से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है द बेकरी शॉप स्मेल्स डेलीसियस वे पुरानी दुकान का नवीनीकरण कर रहे हैं दे आर रिनोवेटिंग द ओल्ड शॉप वे पुरानी दुकान का नवीनीकरण कर रहे हैं दे आर रिनोवेटिंग द ओल्ड शॉप क्या आप जानते हैं कि यहाँ के आसपास कोई जूते की दुकान है डू यू नो इफ़ there इज़ अ शूज़ स्टोर अराउंड हीयर क्या आप जानते हैं कि यहाँ के आसपास कोई जूते की दुकान है डू यू नो इफ़ there इज़ अ shoe स्टोर अराउंड हीयर उसने मुझे ऑफिस की चाबी सौंप दी शी हैंडेड मी द की टू द ऑफिस। उसने मुझे ऑफिस की चाबी सौंप दी शी हैंडेड मी द की टू द ऑफिस। चाबी ताले में टूट गई द की ब्रोक इन द लॉक चाबी ताले में टूट गई द की ब्रोक इन द लॉक क्या आप मेरे लिए एक डुप्लीकेट चाबी बना सकते हैं कैन यू मेक अ डुप्लीकेट की फॉर मी क्या आप मेरे लिए एक डुप्लीकेट चाबी बना सकते हैं कैन यू मेक अ डुब्लिकेट की मी? चाबी ताले में फ़िट नहीं हो रही है द की डज़ not फिट इन द लॉक चाबी ताले में फ़िट नहीं हो रही है द की डज not फिट इन द लॉक मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज raining. मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज raining. वह जल्दी सोने चली गई क्योंकि वह थकी हुई थी शी वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज़ शी वॉज टायर्ड वह जल्दी सोने चली गई क्योंकि वह थकी हुई थी शी वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज़ शी वॉज टायर्ड उन्होंने पिकनिक रद्द कर दी क्योंकि मौसम ख़राब था दे कैंसल्ड द पिकनिक बिकॉज़ द वेदर वॉज बैड उन्होंने पिकनिक रद्द कर दी क्योंकि मौसम खराब था दे कैंसल द पिकनिक बिकॉज द वेदर वॉज बैड वह पार्टी में नहीं आया क्योंकि वह बीमार था He did not come to the party because he was sick. वह पार्टी में नहीं आया क्योंकि वह बीमार था He did not come to the party because he was sick. मैंने एक बड़ा लंच खाया क्योंकि मैं बहुत भूखा था आई एट अ बिग लंच बिकॉज़ आई वॉज़ वेरी hungry. मैंने एक बड़ा लंच खाया क्योंकि मैं बहुत भूखा था आई एट अ बिग लंच बिकॉज़ आई वॉज़ वेरी हंग्री उसने मेहनत से पढ़ाई की क्योंकि वह परीक्षा में पास होना चाहता था He स्टडीड हार्ड बिकॉज ही वॉन्टेड टू पास द एग्ज़ाम उसने मेहनत से पढ़ाई की क्योंकि वह परीक्षा में पास होना चाहता था He स्टडीड हार्ड बिकॉज ही वॉन्टेड टू पास द एग्ज़ाम मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि कमज़ोर है आई वियर ग्लासेस बिकॉज़ आई हैव पुअर आई साइट मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि कमज़ोर है आई वियर ग्लासेस बिकॉज आई हैव पुअर आई साइट उसने अपनी छतरी भूल गई क्योंकि वह जल्दी में था He forgot his umbrella because he was in a hurry. उसने अपनी छतरी भूल गई क्योंकि वह जल्दी में था. He forgot his umbrella because he was in a hurry. हम समुद्र तट पर नहीं गए क्योंकि बहुत ठंडा था. We did not go to the beach because it was too cold. हम समुद्र तट पर नहीं गए क्योंकि बहुत ठंडा था. We did not go to the beach. बिकॉज इट वॉज़ टू कोल्ड मैंने तुम्हें कॉल किया था क्योंकि मुझे कुछ सलाह चाहिए थी आई कॉल्ड यू बिकॉज़ आई नीडिड सम एडवाइज़ मैंने तुम्हें कॉल किया क्योंकि मुझे कुछ सलाह चाहिए थी आई कॉल्ड यू बिकॉज़ आई नीडिड सम एडवाइज़ उन्होंने लाल रंग का पेंट चुना क्योंकि यह फर्नीचर से मेल खाता है दे चूज़ द रेड पेंट बिकॉज इट मैच द फर्नीचर उन्होंने लाल रंग का पेंट चुना क्योंकि यह फर्नीचर से मेल खाता है दे चूज द रेड पेंट बिकॉज इट मैच द फर्नीचर गाड़ी पार्क करने के लिए कहीं जगह नहीं थी देर वॉज वेयर टू पार्क द कार गाड़ी पार्क करने के लिए कहीं जगह नहीं थी देर वॉज वेयर टू पार्क द कार हमने पूरे घर में खोजा लेकिन बिल्ली कहीं नज़र नहीं आई वी searched the entire हाउस बट the कैट was नोवेयर no inside. हमने पूरे घर में खोजा लेकिन बिल्ली कहीं नज़र नहीं आई वी searched the entire हाउस बट the कैट was नोवेयर no inside. गुमशुदा व्यक्ति शहर में कहीं भी नहीं था द मिसिंग पर्सन वॉज नोवेयर इन द सिटी गुमशुदा व्यक्ति शहर में कहीं भी नहीं था द मिसिंग पर्सन वॉज़ नोवेयर इन द सिटी आपको इस समस्या को तुरंत ठीक करना चाहिए यू शुड फिक्स दिस प्रॉब्लम राइट नाउ आपको इस समस्या को तुरंत ठीक करना चाहिए यू शुड फिक्स दिस प्रॉब्लम राइट नाउ वह मीटिंग के तुरंत बाद कमरे से निकल गई शी लेफ्ट द रूम इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग वह मीटिंग के तुरंत बाद कमरे से निकल गई शी लेफ्ट द रूम इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग कार खराब हो गई और हमें तुरंत मदद के लिए कॉल करना पड़ा द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू कॉल फ़ॉर हेल्प इमीडिएटली कार खराब हो गई और हमें तुरंत मदद के लिए कॉल करना पड़ा द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू कॉल फ़ॉर हेल्प इमीडिएटली मैं इस पर तुरंत काम शुरू कर दूंगा आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इमीडिएटली मैं इस पर तुरंत काम शुरू कर दूंगा आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इमीडिएटली कृपया अपनी रिपोर्ट में गलतियों को ठीक करें प्लीज़ करेक्ट द मिस्टेक्स इन योर रिपोर्ट कृपया अपनी रिपोर्ट में गलतियों को ठीक करें प्लीज़ करेक्ट द मिस्टेक्स इन योर रिपोर्ट मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही है द मशीन इज़ नॉट फंक्शनिंग करेक्टली मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही है द मशीन इज़ नॉट फंक्शनिंग करेक्टली क्या यह सही तरीका है समस्या को हल करने का इज़ दिज़ द करेक्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्या यह सही तरीका है समस्या को हल करने का इज दज द करेक्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम कृपया फॉर्म पर तारीख सही करें प्लीज़ करेक्ट द डेट ऑन द फॉर्म कृपया फॉर्म पर तारीख सही करें प्लीज़ करेक्ट द डेट ऑन द फॉर्म उसे सही उत्तर देने के लिए सराहा गया शी वॉज प्लेसड फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर उसे सही उत्तर देने के लिए सराहा गया शी वॉज प्लेस्ड फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर उसने सही निर्णय लिया ही मेड द करेक्ट डिसीजन उसने सही निर्णय लिया ही मेड द करेक्ट डिसीजन फॉर्म को दिन के अंत तक जमा करना होगा द फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड बाई द एंड ऑफ द डे फॉर्म को दिन के अंत तक जमा करना होगा द फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड बाई द एंड ऑफ द डे क्या आपने आज की खबरें देखी डिड यू सी द न्यूज़ टुडे क्या आपने आज की खबरें देखी डिड यू सी द न्यूज़ टुडे उसने अपनी खिड़की से दुर्घटना होते हुए देखा शी सॉ द एक्सीडेंट हैपन फ्रॉम हर विंडो उसने अपनी खिड़की से दुर्घटना होते हुए देखा शी सॉ द एक्सीडेंट हैपन from हर विंडो उन्होंने अपनी छुट्टियों के दौरान कई सुंदर स्थान देखे दे सॉ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस ड्यूरिंग देयर वेकेशन उन्होंने अपनी छुट्टियों के दौरान कई सुंदर स्थान देखे दे सॉ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस ड्यूरिंग देयर वेकेशन मैंने कल आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी आई सॉ योर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया योर मैंने कल आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी आई सॉ योर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया yesterday. उन्होंने पहाड़ की चोटी से सूरज उगते देखा दे सॉ from फ्राम hill टॉप उन्होंने पहाड़ की चोटी से सूरज उगते देखा दे सॉ द सनराइज फ्राम hill टॉप वह सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन काम करती है शी वर्कस फ्राम मंडे टू फ्राइडे एवरी डे वह सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन काम करती है शी works from मंडे टू फ्राइडे एवरी डे गर्मी की आने के साथ दिन लंबे हो रहे हैं द डेज़ आर गेटिंग लॉन्गर एज समर अप्रोच गर्मी के आने के साथ दिन लंबे हो रहे हैं द डेज आर गेटिंग लॉन्गर एज समर अप्रोच वह कुछ दिनों में लौटेगा ही return इन अ फ्यू डेज वह कुछ दिनों में लौटेगा ही return इन अ फ्यू डेज़ वह काम के लंबे दिन के बाद थकी हुई थी शी शिवज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क वह काम के लंबे दिन के बाद थकी हुई थी शी शिवज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क महीने का आखिरी दिन रविवार है द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज संडे महीने का आखिरी दिन रविवार है द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज़ संडे सर्दी के आगमन के साथ दिन ठंडे हो रहे हैं द डेज आर गेटिंग कोल्डर एज़ विंटर अरइव्स सर्दी के आगमन के साथ दिन ठंडे हो रहे हैं द डेज आर गेटिंग कोल्डर एज़ विंटर अरइव्स उसे अपनी हाल की पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स मिले शी रिसीव्ड मेनी लाइक्स ऑन हर रीसेंट पोस्ट उसे अपनी हाल की पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स मिले शी रिसीव्ड मेनी लाइक्स ऑन हर रीसेंट पोस्ट वह अपने भाई से छोटी है She is shorter than her brother. वह अपने भाई से छोटी है She is shorter than her brother. वह हमेशा अपनी ऊंचाई को लेकर चिंतित रहती है She is always concerned about her height. वह हमेशा अपनी ऊंचाई को लेकर चिंतित रहती है She is always concerned about her height. इस साल वह कई इंच लंबी हो गई है She has grown several inches this year. साल वह कई इंच लंबी हो गई है शी grown ग्रोन सेवरल इंच ईयर मुझे ऊपरी शेल्फ तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत है आई नीड अ लैडर टू रीच द टॉप शेल्फ मुझे ऊपरी शेल्फ तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत है आई नीड अ लैडर टू रीच द टॉप शेल्फ आप कितनी ऊंचाई पर कूद सकते हैं हाउ हाई कैन यू जंप आप कितनी ऊंचाई पर कूद सकते हैं हाउ हाई कैन यू जम्प यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन बहुत तेज़ है द इंटरनेट कनेक्शन हेयर इज़ वेरी फास्ट यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन बहुत तेज़ है द इंटरनेट कनेक्शन हेयर इज़ वेरी फास्ट वह बहुत तेज़ी से बोलता है जिसे मैं समझ नहीं पाता ही स्पीक्स टू फास्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड वो बहुत तेज़ी से बोलता है जिसे मैं समझ नहीं पाता ही स्पीक्स टू फास्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड इस क्षेत्र में नदी बहुत तेज़ बहती है द रिवर फ्लोज़ वेरी फ़ास्ट इन दिस एरिया इस क्षेत्र में नदी बहुत तेज़ बहती है द रिवर फ्लोज़ वेरी फ़ास्ट इन दिस एरिया ट्रेन जल्दी पहुंची क्योंकि वह तेज़ी से चल रही थी द ट्रेन अराइव्ड अर्ली बिकॉज़ इट वॉज़ रनिंग फ़ास्ट ट्रेन जल्दी पहुंची क्योंकि वह तेज़ी से चल रही थी द ट्रेन अराइव्ड अर्ली बिकॉज इट वॉज़ रनिंग फास्ट मुझे अपना फ़ोन रिचार्ज करना है आई नीड टू रिचार्ज माई फ़ोन मुझे अपना फ़ोन रिचार्ज करना है आई नीड टू रिचार्ज माई फ़ोन वह कॉल नहीं कर सका क्योंकि उसने रिचार्ज करना भूल गया ही वॉज़ अनेबल टू मेक कॉस बिकॉज ही फॉरवर्ड टू रिचार्ज वह कॉल नहीं कर सका क्योंकि उसने रिचार्ज करना भूल गया ही वॉज अनेबल टू मेक कॉल्स बिकॉज ही फॉरवर्ड टू रिचार्ज यह समस्या हल करना आसान नहीं है दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट ईजी टू सॉल्व यह समस्या हल करना आसान नहीं है दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट ईजी टू सॉल्व नई भाषा सीखना कठिन हो सकता है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी हार्ड नई भाषा सीखना कठिन हो सकता है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी हार्ड क्या वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए कोई शॉर्टकट है इस देयर अ शॉर्टकट टू गेट देयर फास्टर क्या वह जल्दी पहुँचने के लिए कोई शॉर्टकट है इस देयर अ शॉर्टकट टू गेट देयर फास्टर क्या आप मुझे पार्क का रास्ता दिखा सकते हैं कैन यू शो मी वे टू पार्क क्या आप मुझे पार्क का रास्ता दिखा सकते हैं कैन यू शो मी द वे टू द पार्क उसने गलती से अपने अंगुलियों पर गोंद लगा लिया शी एक्सीडेंटली गॉट ग्ल्यू ऑन हर फिंगर्स उसने गलती से अपने अंगुलियों पर गोंद लगा लिया शी एक्सीडेंटली गॉट ग्ल्यू ऑन हर फिंगर्स यह टेप बहुत चिपकने वाला है दिस टेप इज़ वेरी स्टिकी यह टेप बहुत चिपकने वाला है दिस टेप इज़ वेरी स्टिकी फ़ोटो बोर्ड पर पिन से चिपकी हुई थी दिस फोटो इज स्टक ऑन द बोर्ड विथ अ पिन फोटो बोर्ड पर पिन से चिपकी हुई थी द फोटो इज स्टक ऑन द बोर्ड विथ अ पिन उसने कैंची से कागज काटा ही कट द पेपर विथ सीजर्स उसने कैंची से कागज काटा ही कट द पेपर विथ सीजर्स वह टीवी देखते समय सो गया ही हिफिल्लीप वाइल्ड वॉचिंग टी वी वह टीवी देखते समय सो गया ही हि फिल असलीप वाइल्ड वॉचिंग टी उसने अपने दोस्तों के लिए एक दावत दी शी होस्टेड अ डिनर पार्टी फॉर हर फ्रेंड्स उसने अपने दोस्तों के लिए एक दावत दी शी होस्टेड अ डिनर पार्टी फॉर हर फ्रेंड्स उसने पार्टी में आने के लिए सभी को धन्यवाद किया शी थैंक्ड एवरी वन फॉर कमिंग टू द पार्टी उसने पार्टी में आने के लिए सभी को धन्यवाद किया शी थैंक्ड एवरी वन फॉर कमिंग टू द पार्टी उसने पूरा दिन बिना रुके काम किया ही वर्कड ऑल डे विदाउट अ ब्रेक उसने पूरा दिन बिना रुके काम किया ही वर्कड ऑल डे विदाउट अ ब्रेक उसने पूरा दिन परिवार के लिए खाना पकाया शी कुकड फॉर द फैमिली द एंटायर डे उसने पूरा दिन परिवार के लिए खाना पकाया शी कु फॉर द फैमिली द इंटायर डे यात्रा के बाद उसने पूरा दिन घर पर आराम किया ही रिलैक्सड एट होम ऑल डे आफ्टर द ट्रिप यात्रा के बाद उसने पूरा दिन घर पर आराम किया ही रिलैक्सड एट होम ऑल डे आफ्टर द ट्रिप स्याही का दाग हटाना मुश्किल था द इंक स्टेन वॉज हार्ड टू गेट रिड ऑफ स्याही का दाग हटाना मुश्किल था द इंक स्टेन वॉज़ हार्ड टू गेट रिड ऑफ उसने दाग को एक सजावटी तकिया से ढक दिया शी कवर द स्टेन विथ अ डेकोरेटिव पिलो उसने दाग को एक सजावटी तकिया से ढक दिया शी कवर द स्टेन विथ अ डेकोरेटिव पिलो जब दाग आखिरकार निकल गया तो उसे राहत मिली शी वॉज़ रिलीव्ड वन द स्टेन फाइनली केम आउट जब दाग आखिरकार निकल गया तो उसे राहत मिली शी वॉज रिलीव्ड विन द स्टेन फाइनली केम आउट मैं अभी उस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता आई कांट हेल्प यू विद दैट राइट नाउ मैं अभी उस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता आई कांट हेल्प यू विद डैट राइट नाउ मैं अभी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू मेक अ डिसीजन राइट नाउ मैं भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू मेक अ डिसीजन राइट नाउ वह आज रात बाहर जाने में रुचि नहीं रखती शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट tonight। वह आज रात बाहर जाने में रुचि नहीं रखती She इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट tonight। वे हमेशा आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं They always स्पीक हाईली ऑफ यू वे हमेशा आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं ऑलवेज स्पीक हाईली ऑफ यू मैंने कागज़ कूड़ेदान में फेंक दिया आई थ्रियो द पेपर इं टू द बिन मैंने कागज़ कूड़ेदान में फेंक दिया आई थ्रियो द पेपर इंटू द बिन उन्होंने अपना पुराना फर्नीचर फेंक दिया दे थ्रियो देयर ओल्ड फर्नीचर अवे उन्होंने अपना पुराना फर्नीचर फेंक दिया दे थ्रियो देयर ओल्ड फर्नीचर अवे बच्चों ने नदी में पत्थर फेंक दिए द किड्स थ्रिय इस्टोन्स इंटू द रिवर बच्चों ने नदी में पत्थर फेंक दिए द किड्स थ्रिय इस्टोन्स इंटू द रिवर वह हर जगह कंघी लेकर चलती है शी कैरीज अ एवरी एवरीवेयर वह हर जगह कंघी लेकर चलती है शी कैरीज़ अ काम्ब एवरीवेयर उसने कंघी का इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ किया शी cleaned द कॉम्ब आफ्टर यूजिंग इट उसने कंघी का इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ़ किया शी क्लिन द कॉम्ब आफ्टर यूजिंग इट उसने अपनी दाढ़ी के लिए एक कंघी खरीदी ही बॉट अ comb फॉर हिज बियर्ड उसने अपनी दाढ़ी के लिए एक कंघी खरीदी ही बॉट अ comb फॉर हिज बियर्ड उसकी जूते पॉलिश करने के बाद चमक रहे हैं हिज शूज़ आर शाइनिंग आफ्टर पॉलिशिंग उसकी जूते पॉलिश करने के बाद चमक रहे हैं हिज शूज आर शाइनिंग आफ्टर पॉलिशिंग पॉलिश की गई लकड़ी धूप में चमक रही थी द पॉलिश वुड ग्लीम्ड इन द सन लाइट पॉलिश की गई लकड़ी धूप में चमक रही थी द पॉलिस्ड वुड ग्लीम्ड इन द सन लाइट इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत बालूदार है द सोइल इन दिस एरिया इज वेरी सैंडी इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत बालूदार है द सोइल इन दिस एरिया इज़ वेरी सैंडी बारिश ने ज़मीन को कीचड़ में बदल दिया द रेन टर्न द ग्राउंड इंटू मड बारिश ने ज़मीन को कीचड़ में बदल दिया द रेन टर्न द ग्राउंड इंटू मड उसने अपने जूतों से कीचड़ साफ किया शी क्लींट द मड ऑफ हर शूज़ उसने अपने जूतों से कीचड़ साफ किया शी क्लीन द मड ऑफ हर शूज़ उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा ही डग अ होल इन द अर्थ उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा ही डग अ होल इन द अर्थ वह सुबह अपना काम शुरू करता है ही स्टार्ट हिज़ वर्क इन द मॉर्निंग वह सुबह अपना काम शुरू करता है ही स्टार्ट हिज़ वर्क इन द मॉर्निंग बाजार सुबह भीड़ भाड़ वाला होता है द मार्केट इज़ क्राउडिड इन द मॉर्निंग बाजार सुबह भीड़ भाड़ वाला होता है द मार्केट इज़ क्राउडेड इन द मॉर्निंग वे सुबह जल्दी यात्रा पर निकल गए दे लेफ्ट फॉर द ट्रिप इन द अर्ली मॉर्निंग वे सुबह जल्दी यात्रा पर निकल गए दे लेफ्ट फॉर द ट्रिप इन द अर्ली मॉर्निंग सुबह कोहरा और ठंडी थी द मॉर्निंग वॉज़ फागी एंड कूल सुबह कोहरा और ठंडी थी द मॉर्निंग वॉज फागी एंड कूल डॉक्टर ने उसे नियमित रूप से पैदल चलने की सलाह दी द डॉक्टर एडवाइज हिम टू वॉक रेगुलरली डॉक्टर ने उसे नियमित रूप से पैदल चलने की सलाह दी द डॉक्टर एडवाइज हिम टू वॉक रेगुलरली काली बादल एक तूफान का संकेत है द डार्क क्लाउड सिग्नल अस्टॉम काली बादल एक तूफान का संकेत है द डार्क क्लाउड सिग्नल अ स्टाम उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की ही ट्राई टू सी थ्रू द डार्कनेस उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की ही ट्राई टू सी थ्रू द डार्कनेस हमने अंधेरा होने का इंतज़ार किया वी वेटेड फॉर द डार्क टू सेट इन हमने अंधेरा होने का इंतज़ार किया वी वेटेड फॉर द डार्क टू सेट इन उसने अंधेरे में लाइट स्विच ढूँढने में कठिनाई महसूस की she struggled to find the light switch in the darkness उसने अंधेरे में लाइट्स विच ढूँढने में कठिनाई महसूस की she struggled to find the light switch in the darkness कृपया बताएं अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प कृपया बताएं अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प क्या आप मुझे सही जानकारी खोजने में सहायता कर सकते हैं कैन यू असिस्ट मी इन फाइंडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन क्या आप मुझे सही जानकारी खोजने में सहायता कर सकते हैं कैन यू असिस्ट मी इन फाइंडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन उसने हमारी मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शी प्लेड अ क्रूसील रोल इन हेल्पिंग अस उसने हमारी मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई She played a crucial role in helping us. वह एक सप्ताह से बीमार है। She has been ill for a week. वह एक सप्ताह से बीमार है। She has been ill for a week. अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो आपको आराम करना चाहिए। You should rest if you are feeling sick. अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो आपको आराम करना चाहिए। You should rest if you are feeling sick. फ्लू का मौसम कई लोगों को बीमार कर सकता है द फ़्लू सीज़न कैन मेक मैनी पीपल इल फ़्लू का मौसम कई लोगों को बीमार कर सकता है द फ्लू सीज़न कैन मेक मैनी पीपल इल वे बीमारी के फैलने को लेकर चिंतित हैं दे आर कंसर्नड अबाउट द स्प्रेड ऑफ़ द इलनेस वे बीमारी के फैलने को लेकर चिंतित हैं दे आर कंसर्न अबाउट द स्प्रेड ऑफ़ द इलनेस मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक होंगे आई होप यू फील बेटर सून मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक होंगे आई होप यू फील बेटर सून सोने से पहले उसने तकिए को हिला दिया शी फ्लफ्ट अप द पिलो बिफोर गोइंग टू स्लीप सोने से पहले उसने टकीये को हिला दिया शी फ्लफ्ट अप द पिलो बिफोर गोइंग टू स्लीप मुझे इस तकिए का रंग पसंद है आई लव द कलर ऑफ़ दिस पिलो मुझे इस तकिए रंग पसंद है आई लव द कलर ऑफ़ दिस पिलो मैं नरम तकिए बजाय एक सख्त तकिया पसंद करता हूँ आई प्रेफर अ फॉर्म पिलो ओवर अ सॉफ्ट वन मैं नरम तकिये के बजाय एक सख्त तकिया पसंद करता हूँ आई प्रेफर अ फॉर्म पिलो ओवर अ सॉफ्ट वन उसने पुराने तकिए के लिए एक नया कवर सिल दिया She sewed a new cover for the old pillow. उसने पुराने तकिए के लिए एक नया कवर सिल दिया. She sewed a new cover for the old pillow. बच्चे फर्श पर तकियों के साथ खेल रहे थे। The kids were playing with the pillows on the floor. बच्चे फर्श पर तकियों के साथ खेल रहे थे। The kids were playing with the pillows on the floor. उसने फर्श को एक पोंछे से साफ किया। शी क्लीन the फ्लोर विथ अ मॉप उसने फर्श को एक पोछे से साफ़ किया शी क्लीन the फ्लोर विथ a मॉप फर्श पर एक मोटा कालीन बिछा था The फ्लोर was कवर्ड विथ अ थिक कार्पेट फर्श पर एक मोटा कालीन बिछा था The फ्लोर was कवर्ड विथ अ थिक कार्पेट फ़र्श बहुत ठंडा था बिना चप्पल के चलना मुश्किल था द फ्लोर वॉज टू कोल्ड टू वॉक ऑन विदाउट स्लीपर्स फर्श बहुत ठंडा था बिना चप्पल के चलना मुश्किल था द फ्लोर वॉज टू कोल्ड टू वॉक ऑन विदाउट स्लीपर्स उसने फ़र्श में एक दरार देखी शी सॉ अ क्रैक इन द फ्लोर उसने फर्श में एक दरार देखी शी सॉ अ क्रैक इन द फ्लोर उसने आराम करने के लिए फर्श पर लेट गया ही ले डाउन ऑन द फ्लोर टू रेस्ट उसने आराम करने के लिए फर्श पर लेट गया ही ले डाउन ऑन द फ्लोर टू रेस्ट भारी बारिश के बाद छत में कई लीक हो गए हैं द रूफ हैज़ सेल लीक्स आफ्टर द हेवी रेन भारी बारिश के बाद छत में कई लीक हो गए हैं द रूफ हैज सेवरल लीकस आफ्टर द हेवी रेन टपकने की आवाज़ ने मुझे सारी रात जगाए रखा द ड्रिपिंग साउंड केप्ट मी अवेक ऑल नाइट टपकने की आवाज़ ने मुझे सारी रात जगाए रखा द ड्रिपिंग साउंड केप्ट मी अवेक ऑल नाइट लगातार टपकना मुझे पागल कर रहा है द कॉन्सटेंट ड्रिपिंग इज़ ड्राइविंग मी क्रेज़ी लगातार टपकना मुझे पागल कर रहा है द कॉन्सटेंट ड्रिपिंग इज़ ड्राइविंग मी क्रेज़ी लीक के कारण छत पर पानी का दाग है देर इज अ वाटर स्टेन ऑन द सीलिंग ड्यू टू द लीक लीक के कारण छत पर पानी का दाग है देर इज़ अ वाटर स्टेन ऑन द सीलिंग ड्यू टू द लीक उसकी मासिक खर्चे काफ़ी ज़्यादा है हर मंथली एक्सपेंसेस आर क्वाइट हाई उसकी मासिक खर्चे काफ़ी ज़्यादा है हर मंथली एक्सपेंसेस आर क्वाइट हाई वे अपने घरेलू खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हैं दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ट्रांसलेट इट मुझे सब पता है इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें थैंक यू